हम लोग जो है यहाँ पे आज़ादी के लिए आए हैं, इमरान खान के लिए निकले हैं और हम आज़ादी लेके रहेंगे और हम अपने बच्चों के लिए और हम अपने मुल्क के लिए निकले हैं और हम अपनी आज़ादी लेके रहेंगे। जैसे हमारा लीडर निकला है और उसने कहा है डरना नहीं, मैं हम तुम्हारे साथ है, वैसे हम भी उनके साथ हैं बस। और हमें आज़ादी चाहिए, यहाँ एक दिन का धरना हो, 10 दिन का धरना हो, जब तक हमारी बातें नहीं कबूल होंगी हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे। जज्बा जोश खान साहब के लिए, उन्होंने हमें एक बात बोली कि निकलना है आवाम ने तो हम निकलेंगे, आखिरी सांस तक इमरान खान का साथ देंगे चाहे जितने दिन भी धरना हो या ना हो, हमें साथ ही रहना है इमरान खान। भाईजान आई एम मामू पीटीआई फ्रॉम कराची, इस वक्त हम खुदादाद कॉलोनी चोरंगी पे मौजूद है, नुमाइश चोरंगी की तरफ मार्च कर रहे हैं, हम यहाँ पे जमा हो रहे हैं, हम पे शेलिंग की गई है, वो आगे अल्लाह वाली चोरंगी पे हम पे हवाई फायरिंग की गई है, हमारे लोग जख्मी है, स्टेट फायर हुई है, ये जरदारी डाकू ये नशेबाज शरीफ ये हम पे जुल्म कर रहे हैं। आपके इमरान खान साहब से मैं मुतालबा करता हूँ कि आप वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह, स्लो प्रोसेस नहीं चलेगा सजाओं का, इन माफिया को मीनारे पाकिस्तान पर इमरान खान साहब उल्टा लटका देना, हम आपसे मुतालबा करते हैं, और ये मुल्क छोड़ के हम इनको भागने नहीं देंगे। जैसे नवाज शरीफ बीमारी के बहाने भागा है और भगाने वालों का भी पता है हमें, हम भागने नहीं देंगे इनको इस मुल्क से, ये आखिरी सांसें ले रहे हैं। कराची की आवाम तमाम डिस्ट्रिक्टों में रोडों पे आ चुकी है, कदम आगे नुमाइश चोरंगी की तरफ बढ़ा रहे हैं हम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लामाबाद से लेके कराची तक पूरे पाकिस्तान में आज़ादी मार्च चल रहा है, हम इमरान खान साहब के साथ हैं। शेलिंग हुई है हमारी, इरम भट्ट हैं उनको लगी है, डंडा लगा है और बच्चों को लगे हैं, शेल लगे हैं और ये आँखें देखें अभी तक इस तरह हो रही हैं। हम लोग लेकिन हम लोग थोड़ा डिस्टेंस से चल रहे थे लेकिन वो शेलिंग हो रही थी धड़ाधड़, वहाँ से पहले उन्होंने भगाया फिर यहाँ आगे हम लोग आए, यहाँ भी शेलिंग कर रहे थे। मकसद ये है कि हम लोग इंडिया से नहीं है, कहीं से नहीं है, हम वो कौम है जो ब्रिटिश से खाली हाथ लड़ के अपना पाकिस्तान ले आई थी। तो आप लोग क्या चीज़ हैं? आप लोग तो कुछ भी नहीं है, आप तो डरपोक हैं, बुजदल हैं, आप इन चंद लोगों से पीटीआई वालों से डर गए। हम लोग आप ही के लोग हैं, इसी मुल्क के लोग हैं, ना इंडिया से आए ना अमेरिका से आए और फिर भी आप लोग इस तरह डर रहे हैं कर रहे हैं।